Hey, hello, welcome to the Messenger, कैसे हैं आप? So, देखिए काफी टाइम से मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल बीएससी एमएससी में हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी जो 11th 12th में हैं जिनको टीचिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट है। काफी बार मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर अगर हमें टीचर बनना है तो हमें क्या क्या क्वालिटीज हमारे पास होनी चाहिए, अच्छा टीचर बनने के लिए क्या क्या वो चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे काफी बार मेरा डिस्कशन होता है बच्चों के साथ, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं हर एक बच्चे को ये बातें पहुंचा पाऊँ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन इन दिस वीडियो कि अगर एक अच्छा टीचर हमें बनना है, एक अच्छा टीचर से मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, आप इसे जज मत कीजिएगा, इवन मैं भी लर्निंग फेज में, मैं भी काफी नई नई चीजें सीख रहा हूँ। बट या ये वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 12 साल से टीचिंग लाइन में हूँ मैं, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड्स को पढ़ाया है, अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाया है, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने स्कूल में पढ़ाया है, मैंने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, वो अपना खुद का ऐप मेरा है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अलग अलग वैरायटी की जगहों पे पढ़ा पढ़ा के मैंने ऐसी ऑडियंस को भी पढ़ाया जो कि हाईली इंटेलेक्चुअल थी, मैंने ऐसी ऑडियंस को भी पढ़ाया जिनको पकड़ पकड़ के क्लासरूम में बैठाना पड़ता था पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले। तो वैरायटी ऑफ ऑडियंस को पढ़ाने के बाद, काफी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, मुझे कुछ चीजें हैं जो समझ में आई हैं। और यूजुअली मुझे ऐसा लगता है आप सब भी जैसे आप एजुकेशन सिस्टम से गो थ्रू करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी समझ में आती है कि भैया टीचिंग फील्ड में क्या क्या हमारे पास रिक्वायरमेंट है। तो कुछ मुद्दों पे बात करेंगे सबसे पहले, लास्ट में मैं अपनी तरफ से कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ कि अगर आपको टीचिंग फील्ड में आना है तो वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उनका आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो स्टूडेंट को आप 5 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली आप ब्रॉडली मैं आपसे कहूँ तो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहले वो प्री प्राइमरी में जो बच्चा होता है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, वो जो टीचर से एक्सपेक्ट करता है या प्री प्राइमरी को पढ़ाने के लिए जो हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए वो बहुत डिफरेंट होती है। फिर आता है जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, वो प्राइमरी में चला जाता है, उसका नेचर, उसका एटीट्यूड, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर बदल जाता है। फिर वो बच्चा जब सेकेंडरी में चला जाता है, सेकेंडरी का मतलब मैं कहूँगा कि 5th स्टैंडर्ड से लेके आप हायर क्लास को जो आप 10th स्टैंडर्ड तक मानते हो उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, बच्चा थोड़ा चेंज हो जाता है। जब वो 9th-10th में चला जाता है हार्मोनल चेंजेस आता है, उस बच्चे को डील करना बहुत डिफरेंट होता है देन डीलिंग विद अ प्राइमरी स्टूडेंट। जब बच्चा सेकेंडरी से जाता है कॉलेज सेक्शन में तो अचानक से उसको पंख लग जाते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ये कॉलेज में जाने के बाद बच्चे बिगड़ जाते हैं, वो होता है क्लास 11th एंड क्लास 12th, जिसको हम इंटर कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं, जहाँ बच्चा जाने के बाद अब ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। मैं ऐसा मानता हूँ पूरे एजुकेशन सिस्टम में दो फेजेस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला फेज है ये सेकेंडरी वाला फेज, ये सेकेंडरी हर एक फेज का अपना एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम हर फेज से कुछ नया नया चीज सीखते हैं, ठीक है। एंड फाइनली जब वो बच्चा बीएससी एमएससी में चला जाता है, अब देखिए प्राइमरी प्री प्राइमरी में जो बच्चा होता है ना, प्री प्राइमरी में बच्चा वो इंटेलेक्चुअली वहीं से ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। वो प्री प्राइमरी में क्या सीखता है, वो क्या गेम्स खेलता है, उन किन चीजों को वो पसंद करता है ना पसंद करता है, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो ब्रेन का होता है वो प्री प्राइमरी लेवल पे। आपने कभी देखा होगा प्री प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, उनकी बाहर करने की कैपेसिटी बड़ी तेज होती है। मैंने देखा बहुत बार बच्चों को, मैं देखता हूँ उनको हनुमान चालीसा याद हो जाती है, उनको मंत्र याद हो जाते हैं, उनको बाइबल के श्लोक्स याद हो जाते हैं जो वर्सेस हैं। तो प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी जो स्टेज होता है उस समय आपका ब्रेन होना काफी एक्टिव होता है, काफी एक्टिव होता है। कैसे कह सकते हो कि जो क्ले होती है, कच्ची मिट्टी होती है, वो प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टेज पे होती है। जैसे जैसे वो सेकेंडरी स्टेज पे चलनी स्टार्ट हो जाती है, जब वो 11th 12th पे जाती है, तो वो शेप लेके परमानेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एज ए टीचर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी बच्चों के साथ डील कर रहे हो, इनडायरेक्टली वो बीएससी एमएससी में या 11th 12th में कैसे बिहेव करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे होती है। वो क्या है, उनका नेचर क्या है, उनका भी नो वे, आई मीन फैमिली भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कहाँ रहता है, किस एटमोसफियर में रहता है, बट उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स की होती है कि टीचर्स उनको कैसे डील करते हैं, उनसे क्या करवाते हैं, स्कूल्स में क्या एक्टिविटी होती है, वो किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसलिए आप देखिएगा बच्चों को जितना ज्यादा आप गेम्स एंड क्रिएटिव चीजें करवाते हो तो प्री प्राइमरी प्राइमरी लेवल पे ही क्रिएटिविटी आती है, 11th 12th और बीएससी एमएससी में आने के बाद क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट मर जाती है। तो एज अ टीचर हमारे पास वो क्या क्या क्वालिटी है। अब जो क्रिएटिविटी प्री प्राइमरी प्राइमरी में होती है वो बीएससी एमएससी में नहीं हो सकती है या क्लास 11th 12th में नहीं हो सकती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए हैं कि क्या क्या वो मेन मेन चीजें हैं जो हमको रिक्वायरमेंट होती है ना। सबसे पहले अगर आप एक प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, आपके लिए सबसे पहले बच्चों आपके दिल में बच्चों के लिए प्यार होना और सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस होना बहुत जरूरी है। देखो मैं बहुत बार न्यूज चैनल्स में भी देखता हूँ, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि बच्चों को मारा पीटा जाता है, पकड़ के उनको उनके साथ वायलेंस किया जाता है, टीचर को घर की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टीचर वो आके स्कूल्स में निकालती हैं और वो सिर्फ एज अ जॉब इस चीज को ट्रीट करती है। मुझे ऐसा लगता है प्री प्राइमरी लेवल पे जो टीचर होता है वो उसको एज अ जॉब छोड़ के एक नेशन बिल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर सबसे ज्यादा वो एक किसान होता है जो बीज डालेगा,
अगर वो बीज प्रॉपर नहीं डाला जाता है तो वो पेड़ अच्छे से पैदा नहीं होगा, पेड़ अच्छे से पैदा नहीं होगा, फल ढंग से नहीं लगेंगे, और फल ढंग से नहीं लगेंगे तो इसके बाद की जो जनरेशन होगी उस तक वो चीज प्रॉपरली पहुंच नहीं पाती है। तो जो इनिशियल स्टेज होती है वो प्री प्राइमरी में जो टीचर होता है उसके दिल में प्यार होना बच्चों के लिए और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास नॉलेज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप साइंटिस्ट हो, बीएआरसी के हो, नहीं हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज लव फॉर किड्स एंड पेशेंस। सेकंड, जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पे चला जाता है उस समय वो चीजों को एनालाइज करना शुरू करता है। वो एक ऐसी स्टेज होती है जब उसे सही गलत क्रिएटिव, उसमें हाई हॉर्मोन्स, एकदम हाई एनर्जी स्टेज पे होता है। आप उसे जो भी कहोगे वो करने के लिए तैयार होता है। उस पर्टिकुलर स्टेज पे जब वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके फोर्थ स्टैंडर्ड की जो स्टेज होती है वहाँ मोटिवेटिंग उसके अंदर होना चाहिए, क्रिएटिव आपके अंदर एक मोटिवेटिंग कैरेक्टर होना चाहिए, एज अ टीचर आप उसको मोटिवेट कर रहे हो। देखो यही वो स्टेज होती है जहाँ बच्चे का सारा फियर डर निकलता है, यही वो स्टेज होती है जहाँ बच्चे के मन में डर बैठता है। अगर बच्चा आज अगर मान लीजिए कोई है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ड है तो वो शायद प्राइमरी स्टेज पे टीचर्स के सपोर्ट की वजह से हुआ होगा। अगर कोई बंदा इंट्रोवर्ड हो गया है तो हमें उसके बैक हिस्ट्री में जाके देखना पड़ता है। वो यही वो स्टेज होती है प्राइमरी स्टेज जहाँ पे टीचर को मोटिवेटेड रहना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए हर एक नई चीज के लिए। वो डरेगा, वो सहमेगा, उसको स्टेज फियर हटाना है, वो कैसा बिहेव करेगा, जैसे टीचर उसे मोटिवेट करेगा वैसे वो बिहेव करना स्टार्ट करेगा। टीचर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है प्राइमरी स्टेज पे। क्रिएटिव इन द सेंस टीचर्स होते हैं बड़े बोरिंग होते हैं यार, सदियों से जो चीज चली आ रही है उसी चीज को कराते रहते हैं। बच्चा आपका 1-4 स्टैंडर्ड में सबसे हाईली क्रिएटिव स्टेज पे होता है। आप उसे जो करवाओगे, आपने बचपन में देखा होगा हमारे यहाँ, आई डोंट नो आप लोगों के यहाँ हुआ था कि नहीं, हमारे यहाँ वो गेम्स खेलने वाले आते थे, वो कागज का कुछ लेके आते थे, उसे फ्लावर हम बनाते थे, हम ड्राइंग्स, मैंने स्केचिंग एंड ड्राइंग जो सीखी है वो मैंने प्राइमरी स्टेज पे ही आके सीखी है। मैं गुलाब के फूल बना बना के मेरे टीचर्स को दिया, आई एम स्केच आर्टिस्ट, तो मैं गुलाब के फूल बना के दिया करता था, मैं लोटस बनाया करता था, मैं स्केचेस बनाना मैंने स्टार्ट किया था। मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में स्केच बनाया करता था, मुझे अभी भी याद है सर्वपल्ली राधा कृष्ण का मैंने जिनके नाम पे टीचर से बनाया जाता, मैंने उनका स्केच बना के मेरे टीचर के पास आज भी वो रखा हुआ है। तो क्रिएटिव नेचर होना, मोटिवेटिंग होना और अंडरस्टैंडिंग होना, ये तीन क्वालिटी है जो एक प्राइमरी के टीचर को चाहिए होती है। नॉलेज मैं अभी भी नहीं मानता हिस्ट्री आनी चाहिए, ज्योग्राफी या सिविक्स आनी चाहिए, वो आप थोड़ा बहुत रीड करके भी पढ़ा दोगे उससे अच्छे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चा वैसे ही वो हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस को अंडरस्टैंड करने की स्टेज पे नहीं होता है। उसको इस समय चाहिए होता है मोटिवेशन, उसको इस समय वो चाहिए होती है क्रिएटिविटी, और उसे चाहिए होती है अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हमारे अगली स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर, जो कि आप ऐसे मान सकते हो कि फिफ्थ स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक का जो टीचर होता है। भैया ये जो स्टेज होता है ना, इस समय आप ऐसे समझ सकते हो कि मिट्टी बन के घड़ा जो है ना बनने के लिए तैयार हो गया है। अब आप उसको जो शेप दे रहे हो, जो फिनिशिंग जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ सेकेंडरी में दी जाती है। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के बीच में जाता है, जैसे ही 7-10th स्टैंडर्ड के बीच में जाता है, वो एनालाइज करना शुरू करता है। वो कॉमर्स लेगा, वो मनी माइंडेड बनेगा, वो क्रिएटिव आर्ट्स में जाएगा, या वो साइंस का स्टूडेंट बनेगा, ये डिसीजन इन 3 स्टैंडर्ड के बीच में हुआ जाता है। अगर आप 7 स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बीच में एक बच्चे को जज नहीं कर पा रहे हो, देखो आपने पुराने जमाने में गुरुकुल में देखा होगा, हर बच्चे गुरुकुल में जो आते थे, हर बच्चा धनुष चलाने वाला नहीं बनता था, हर बच्चा तलवार चलाने वाला नहीं बनता था। वहां पे क्लासिफाई किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें क्या क्वालिटी है। अगर अर्जुन को तीर चलाना आता था इसीलिए वो धनुर्धारी बना, आर्चरी उसने किया। वहीं अगर आप महाभारत में देखोगे, उनका जो सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, वो भाला चलाता था, ठीक है। सो स्टूडेंट क्या करेगा वो 7th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड के बीच में डिसाइड होता है, क्योंकि यही वो स्टैंडर्ड होती है, ये वो 3 सबसे क्रुशियल ईयर होते हैं जहां बच्चे का ब्रेन जो होता है वो सेट होता है, उसकी मेंटेलिटी बन जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यही वो स्टेज होती है जहां पे उसकी साइंटिफिक नॉलेज, जो भी वो नॉलेज गेन कर रहा है, उसमें वो पहली बार फील्ड में घुसना स्टार्ट करता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि प्री प्राइमरी प्राइमरी स्टेज पे वो बच्चा समुद्र किनारे खड़ा होता है, देखता है, खुद को रेडी करता है, स्विमिंग सूट पहनता है, और जैसे ही वो सेकेंडरी स्टेज में, स्पेशली जब वो 7th स्टैंडर्ड पे आता है, वो पानी में कूद जाता है, और तब जाके वो पहली बार एहसास करता है साइंस की दुनिया का, कॉमर्स की दुनिया का, और आर्ट्स की दुनिया। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज अब मैटर करती है। जो टीचर्स मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे टीचर्स को देखे हैं जो 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं पर उनको साइंस नहीं आती, वो उनकी खुद की डिग्रियां जो होती हैं वो कॉमर्स आर्ट्स करके आए होते हैं, लेकिन पढ़ा वो साइंस रहे हैं। अब उनको खुद को हीट नहीं पता। अगर आप 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस देखो स्कूल्स का, सीबीएसई का, आईसीएसई का, या किसी और स्टैंडर्ड का, कितना टफ सिलेबस है वो। आप देखो आईसीएसई सीबीएसई में तो इवन 5वीं 6वीं 7वीं से ही वैलेंसी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब हायर एडवांस के टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो एक्चुअली जो ब्रेन होता है ना, वो इंटेलेक्चुअल पावर उसकी 7th स्टैंडर्ड से जनरेट होनी स्टार्ट होती है। 7th से पहले वो सिर्फ मोल्डिंग होता है, उसमें सिर्फ शेप दिया जाता है। 7th के बाद ही, अगर आप देखोगे ज्यादातर इंटरनेशनल स्कूल्स में भी, 7th के बाद ही साइंटिफिक यानी सब्जेक्ट नॉलेज पे फोकस करना स्टार्ट किया जाता है। तो आप अगर टीचर बनने की सोच रहे हो तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज अब यहाँ मैटर करेगी।
उसके बाद आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में। देखो बच्चा जो होता है उसको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो स्कूल के टीचर से ही आती है। अगर स्कूल के टीचर को ही नहीं पता कि साइंस में जाके क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे किस फील्ड में क्या क्या नौकरियां पॉसिबल है, इन बच्चों को दिखाते हैं, इससे ज्यादा वो टीचर्स को देखना चाहिए। क्योंकि जो 10th स्टैंडर्ड के टीचर को यही नहीं पता कि साइंस करने के बाद 11th 12th में साइंस करने के बाद आगे बच्चा जाके क्या करेगा या क्या कर सकता है, वो क्या ही गाइड करेगा 10th स्टैंडर्ड के। वो तो कहते हैं बेटा साइंस ले ले साइंस ले ले साइंस ले ले क्योंकि बहुत सारे जॉब है। 90% आप लोगों के साथ यही हुआ होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, इंडिया में 90% बच्चों के साथ उन्होंने अगर साइंस ली है वो इसलिए ली है क्योंकि किसी फलाना धमकाना टीचर ने कह दिया होगा या फलाना धमकाना किसी रिलेटिव्स ने कह दिया। हमें खुद को कोई अवेयरनेस नहीं थी कि हमें क्या करना है, वक्त के साथ हमने अपना रास्ता खुद बनाया है। तो अगर वही एक 10th स्टैंडर्ड का टीचर या हर एक स्कूल में, मैं तो मानना हर एक स्कूल में ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को एक करियर काउंसलिंग होनी ही चाहिए। भले ही वो करियर काउंसलिंग एक हफ्ते की चले, एक घंटे में कोई करियर काउंसलिंग नहीं होती है, दो घंटे में नहीं होती है, एक दिन एक फील्ड के बारे में, एक दिन एक फील्ड के बारे में, ताकि बच्चा वहां पे अपना खुद का इंटरेस्ट ढूंढ पाए। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, आप उनको जबरदस्ती साइंस करवा देते हो लेकिन वो स्पोर्ट्स के लिए बने होते हैं। तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे क्या है ये आपकी रिस्पॉन्स, आप जितना अच्छा इन सब चीजों को जानोगे आप आने वाली जनरेशन को उतना प्रॉपरली गाइड कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो टीचर ऐसा होना चाहिए गाइडेंस दे सके। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो स्कूल में आप चले जाओगे अलग ही पॉलिटिक्स चल रही होती है उनकी, आपस में लड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्या गंद मचाई रखी होती है, कुछ पता नहीं झुमकाना कुछ चल रहा होता है उनका अलग ही अपना, बच्चों से उनको कोई परवाह नहीं पड़ी होती है। तो ये सब मत करना अगर आपको टीचर बनना है। मैं यहाँ एक वर्ड लिख दिया गुड टीचर, ये गुड टीचर का मतलब समझ लो आप क्या कर, टीचर फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। मतलब कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत नैरो माइंडेड होते हैं, उन्होंने सोच लिया होता है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, लड़के वो नहीं कर सकते हैं, ये इन्हीं के लिए, ये नहीं। अगर आप ही फ्यूचरिस्टिक नहीं हो तो आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो जो आने वाले 10 साल में शायद हमारे देश में एक अच्छी पोजीशन पे बैठेंगे, 10-15 साल में जो कुछ आईएएस आईपीएस बनेंगे या कहीं पे कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे जाएंगे, अगर आप ही उनके दिमाग में नॉनसेंस की चीजें डाल दोगे या अनरियलिस्टिक चीजें डाल दोगे, तो आप ही फ्यूचरिस्टिक अगर नहीं हो तो वो बच्चा आपसे ही सीखते जा रहा है, आपकी बातों को वो याद रखते। तो सेकेंडरी टीचर का एक रिस्पॉन्स, ये कुछ वर्ड्स मैंने कीवर्ड्स निकाले काफी सोच समझने के बाद कि ये कीवर्ड्स टीचर में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन टीचर। देखो अगर आप प्री प्राइमरी प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहते हो तो कम से कम बीएससी एमएससी तो आपके पास होनी चाहिए और बीएड तो आपके पास कंपलसरी, ऐसे माना जाता है कि बीएससी एमएससी, अब कुछ लोग बीएससी कुछ कुछ बीएससी पे ले लेते हैं या कुछ लोग कहते हैं एमएससी होनी चाहिए स्पेशली आईसीएससी सीबीएसई वाले, और बीएड तो कंपलसरी आपको बीएड करना पड़ेगा। अगले हमारी कैटेगरी आती है जो बच्चा थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड के बाद बाहर निकल के उसे पंख लग जाती है, वो क्लास 11 क्लास 12 में चला जाता है। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर आप टीचर बनना चाहते हो यही वो क्रूशियल स्टेज है हिंदुस्तान में जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, क्योंकि यहीं पे 3 सबसे बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जेई नीट और अभी तो सीयूईटी आ गया है, यहीं सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, यहीं सब बच्चा जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। वो पानी में, आप ये सेकेंडरी में वो पानी में कूदता है और यहाँ आने के बाद ये डिसाइड होता है कि वो पानी में तैरेगा स्विम करेगा कि पानी में डूब जाएगा या वो पानी में किस लेवल तक रहने वाला है। यहीं से उसकी आने वाले फ्यूचर की ट्रेजर, जिसको हम ट्रेजरी कहते हैं कि वो कहाँ जाने वाला है, वो डिसाइड होता है। सी वैसे अगर मैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताऊं टीचर की, यहाँ आप देखोगे बहुत सारे आईआईटीएंस एनआईटीएंस बड़े बड़े पीएचडी वाले टीचर्स भी आके पढ़ाते हैं। ये वो स्टेज होती है जहाँ बच्चे का ब्रेन, वो जो स्टूडेंट होता है उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो वॉल्केनो की तरह बन चुका है, वो इतना इतना एडवांस लेवल उसका न्यूरोलॉजिकल अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं कि सोचो एक 11th 12th के बच्चे को आप आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ाते हो तो भी वो समझ लेता है, इतनी कैपेसिटी उसके साथ होती है। मतलब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये अगर उसका ग्राफ है, ये पीक जो ग्राफ होती है उसकी वो 11th 12th स्टैंडर्ड की होती है, यहाँ प्राइमरी इंटेलिजेंस ग्राफ जिसको मैं कहता, इंटेलिजेंस और क्रिएटिव दो अलग चीजें होती हैं, और धीरे 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 फिर उसका ग्राफ लेवल डिक्रीज होने लगता है। तो ये वो स्टेज होती है जहां पे टीचर को सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। सी यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ अब कम्युनिकेशन स्किल मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मैटर या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपको कोई चीज आ रही है, क्योंकि यहाँ बच्चा जो होता है ना उसको क्रिएटिविटी या मैं कहूँगा उसको मोटिवेशन से ज्यादा उसे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका होता है उसे साइंस करना है, कॉमर्स करना है या आर्ट्स में जाना है। अगर उसने साइंस ले लिया है तो अब आपको उसे ढंग से साइंस पढ़ानी होती है और कम्युनिकेशन स्किल्स यही मैटर करती है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ये बिजनेस का एक सेक्टर है जिसको हम जेई नीट और सीटी कहते हैं या सीयूईटी कहते हैं, जहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ते हैं और कोटा जैसा एक हब बन चुका है, लाखों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, बच्चों का करियर यहीं से डिसाइड होता है कि वो कहाँ निकले। ये वो जंक्शन होता है जिसके बाद बच्चा आके आगे किस दिशा में जाएगा ये डिसाइड होता है।
तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स के या एक ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहे हो, इस रेंज को पढ़ाना चाह रहे हो, तो कम्युनिकेशन स्किल तो आपके पास सबसे मस्ट है। और बहुत बार हमने देखा है कि जिन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो यहाँ आने के बाद, वो गवर्नमेंट सेक्टर में तो चलो अलग ही बात है, गवर्नमेंट में तो परमानेंट सरकारी नौकरी तो कौन ही आपको निकालने वाला है, पर प्राइवेट सेक्टर में वो टिक नहीं पाते। गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर वो चले जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स की उतनी रिस्पेक्ट नहीं कमा पाते अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, बच्चे हमेशा उनकी बुराइयां करते हैं। दूसरा है पर्सनैलिटी एंड बॉडी लैंग्वेज। सी, ये वो एक स्टेज होती है जब बच्चा टीचर को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है, टीचर को ऑब्जर्व करके वो डिसाइड करता है कि मुझे इनके जैसा बनना है। टीचर उस समय उनके लिए आइडियल पर्सन होता है जो उनके सामने खड़ा होता है। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ मैटर करती है। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, पर जब वो पढ़ाने आते हैं वो पर्सनल लाइफ को कैरी करके आते हैं, वो खुद को मेंटेन नहीं करते, हाइजेनिक नहीं होते, लाइक कैसे भी रहते हैं, दैट्स नॉट हाउ यू, बिकॉज आप एक ऐसी स्टेज को पढ़ा रहे हो जो सबसे, ये वो स्टेज है जिसको हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट है। भैया मानो मत मानो, मैंने मुंबई में ऐसी ऐसी जगहों पर पढ़ाया है जहाँ उस समय उन बच्चों को 11 12th में, आज जब मैं उनसे मिलता हूँ तो काफी डिफरेंट है, पर जब वो 11 12th में थे इतने शैतान थे, इतने मतलब कितना, जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं रेडिकल फॉर्म में आ चुके थे, इतने रिएक्टिव थे कि वो कभी भी फट सकते थे। उनको हैंडल करना है आपको। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यही डिपेंड करेगा कि आप क्लास में ऐसे खड़े होते हो कि क्लास में खुद का पोस्चर कैसे रखते हो। यहाँ डिपेंड करेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आप हर चीज पे चिड़चिड़ करते हो, बच्चों को मारपीट करते हो, सिर्फ आके खुद को ही पढ़ाते हो क्लास में खड़े होकर कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो। ये दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरी मैं कहूंगा सब्जेक्ट नॉलेज। सी, नो डाउट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट नॉलेज, आपको यहाँ अगर इस स्टैंडर्ड में पढ़ाना है आपको जेई नीट सीटी लेवल की सब्जेक्ट नॉलेज बहुत मस्ट है। भाई साहब अगर आप जेई मेन्स और एडवांस को पढ़ा रहे हो, अगर आप जाके देखोगे कि बड़े बड़े पीएचडी करने वाले लोग भी क्लास 11 12 को नहीं पढ़ा पाते। जो जेई मेन्स और एडवांस का सिलेबस है, जो टीचिंग पैटर्न होता है, लाखों करोड़ों की सैलरी मिलती है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में, 3-4 लाख रुपए महीने का टीचर्स कमाते हैं। जेई सब्जेक्ट नॉलेज तो मैं कहूंगा नो डाउट यहाँ होनी चाहिए। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो क्लास 11 12 में कहने के लिए जेई के ट्रेनिंग लेके आए हैं, पर जब वो हमारे पास बीएससी एमएससी में आके पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं होता, पता नहीं कौन सी जेई नीट की ट्रेनिंग। तो ये उनकी गलती नहीं है, उनके टीचर्स की गलती है जिनको खुद को कुछ नहीं आता था, पर वो जेई नीट के नाम पर पता नहीं बच्चों को बेवकूफ बना रहे थे। तो आप अगर एक अच्छा टीचर बनना चाहते हो तो आप जब 11 12 को पढ़ाओगे, याद रखना जेई मेन्स एडवांस या नीट लेवल तक की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप बच्चों को ढंग से डिलीवर कर पाओगे। दूसरा है अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट फील्ड। सी, यहाँ पर आने के बाद डिफरेंट फील्ड, मतलब सी 11 12th में आने के बाद भी बच्चा इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल में जाएगा, बीएससी करेगा या नहीं करेगा, एमएससी में जाएगा, पीएचडी करेगा, क्या करेगा वो डिसाइड करता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं वो और सिलेक्टिव होने लगता है, तो टीचर को यहाँ पर भी अवेयरनेस अपने फील्ड के बारे में तो एटलीस्ट उसे अवेयरनेस होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे टीचर मोटिवेटिंग, अंडरस्टैंडिंग, और एक वर्ड मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रेंडली। देखो मैंने यहाँ तक फ्रेंडली वर्ड नहीं लिखा था, मैं यहाँ फ्रेंडली लिख रहा, क्योंकि ये एक वो स्टेज होती है जहाँ बच्चे पे बहुत ट्रमेंडस प्रेशर होता है। सोचिए आप जेई नीट का प्रेशर बच्चा लेके चलता है, यहाँ उसका करियर बनेगा। आपके पास जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा होगा 5 साल के बाद देखिएगा वो डॉक्टर बन जाएगा, आपको उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मिलने के लिए। आपके पास जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है आप 5 साल के बाद वहीं पढ़ा रहे रहोगे, लेकिन आपका पढ़ाया हुआ बच्चा बिल्कुल इंजीनियर बनकर किसी फॉरेन कंट्री में चला जाएगा, आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैंने 2015 में जिन बच्चों को पढ़ाया था, 2015 में, आज उसमें से एक बच्चा आईएएस ऑफिसर बन चुका है, उसमें से एक बच्चा जो है वो दुबई में किसी एरोस्पेस कंपनी के लिए काम करता है। उस समय मैंने जिनको पढ़ाया था 12th स्टैंडर्ड में, उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है वो खुद टीचर बन चुके हैं। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। 12th स्टैंडर्ड से आप सोच लीजिएगा 12वीं में आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हो 5 साल के बाद शायद उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ जिनका बिहेवियर उस समय स्टूडेंट्स के प्रति, अगर कोई बच्चा पढ़ने में वीक है, कमजोर है, आप उसे इंसल्ट नहीं कर सकते। आप यही मैं एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप भी आप खुद को ये रियलाइज नहीं करवा कर कि मैं टीचर हूँ, मैं बच्चे का ब्रेन जो है उसको उसके साथ खेलने वाला हूँ। आप अगर उसे मारोगे, पीटोगे, क्लास में इंसल्ट करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे, याद रखना 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जब वो बच्चा किसी फील्ड पे चला जाएगा आपको उसे फेस करना पड़ेगा सोसाइटी में। तो आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर रखना, बच्चा कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कैसा ही क्यों ना हो, आप उसे इंसल्ट नहीं कर सकते, डिसरिस्पेक्ट भले ही चाहिए तो उसे बोलो थोड़ा कड़वी लैंग्वेज में कि देख तू पढ़ता नहीं है, तेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, डराओ, लेकिन आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स होते हैं जिनका उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्लासरूम तक लेके चले आते हैं और वो सारी प्रॉब्लम बच्चों के ऊपर निकाल देते हैं। कैसा ही बच्चा, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा आप क्लासरूम छोड़ के चले जाइए, आपको पसंद नहीं आ रहा आपको कोचिंग क्लास छोड़ दीजिए, आपको पर बच्चे की डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, उनको इंसल्ट मत कीजिए, क्योंकि वो बच्चा आने वाले 5 साल में पता नहीं क्या कर सकता है।
और आपने भी देखा होगा कभी कभी एक दो साल में ही बच्चे का बिहेवियरल चेंजेस आ जाता है और एकदम मस्तीखोर से एकदम पढ़ाकू बच्चा बन जाता है। तो आपको फ्रेंडली रहना है। इस टाइम पे बच्चे रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा फंसते हैं। यही वो टाइम होती है जहाँ उनके अंदर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एंड्रोजन ये सारे हार्मोन दुनिया भर के खिलने लग जाते हैं। यही वो होता है जहाँ पे वो बॉन्ड बनाते हैं ब्रेकअप करते हैं डिप्रेशन में जाते हैं वो ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम इसी इसी सेक्शन में आनी शुरू हो जाती है और उस समय वो मेच्योरिटी भी उतनी नहीं होती है। तो ये याद रखना आपको फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है भैया। बच्चा आप तक अपनी बातें पहुंचा पाए आप उसको सुन पाओ। जज मत करो भाई तुम्हें अगर कोई चीज पसंद नहीं है इसका मतलब दुनिया को भी वही चीज पसंद नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई कानून नहीं है। आपकी अपनी एज ए ह्यूमन बींग आइडियोलॉजी अलग हो सकती है आपकी अपनी सोच अलग हो सकती है। आप इस चीज की वजह से बच्चों पे नहीं भड़क सकते कि वो बच्चा जो है वो मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता है या वो बच्चा मेरे जैसा क्यों नहीं है वो बच्चा मेरे जैसा बिहेव क्यों नहीं करता वो मेरे जैसा पहनता क्यों नहीं है मेरी जैसे तरह। कुछ टीचर्स होते हैं जो सुबह 5 बजे 8 बजे उठ जाते हैं है ना सुबह 5 बजे उठ जाते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा भी 5 बजे उठ गया। भैया आपकी उम्र हो गई है ना आपको काम धंधा कुछ है नहीं आपको सिर्फ आपके पास मोटिवेशन है कि मैं 6-7 बजे लेक्चर लेने जाऊंगा तो पैसा मिलेगा। बच्चे के पास 12वीं में वो मोटिवेशन नहीं होता पैसे वाला उसे बस उससे सिर्फ इतना होता है यार बोरिंग लेक्चर है पढ़ना है। आपको समय अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडली होना पड़ेगा। कुछ बच्चे और टीचर्स होते हैं इसलिए बच्चों पर नाराज और भड़क जाते हैं क्योंकि बच्चा उनके जैसा बिहेव नहीं करता है और वो ये भूल जाते हैं कि वो अब उम्र वाले हो चुके हैं उनकी एज 30s 35 40s 50s में चली गई है। बच्चा अभी भी टीनेजर है उसका हार्मोनल लेवल जो होता है वो आप स्टेबल हो चुके हो या आपने बॉन्ड बना लिए हैं आप कंपाउंड बन चुके हो वो अभी भी रेडिकल कटायन एनायन के फॉर्म में यहाँ वहाँ भटक रहा है। आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि टीनेज में वो मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करे स्टेबल मॉलिक्यूल की तरह रेजोनेंस दिखाए पॉसिबल नहीं है। वो उस स्टेज में भी वो भटकता रहोगा। आपको उसे सिर्फ प्रोटेक्टिव रहना है फ्रेंडली रहना सुनना है उसकी अपने आप वक्त के साथ वो शांत हो जाएगा। कुछ टीचर्स होते हैं जिनको ये कभी समझ में नहीं आता है। अगर आप भी ऐसे हो तो भैया अपनी आदतें बदल लो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये भी होता है मैं तो टीचर हूँ भैया मैं बच्चों से फ्रेंड कैसे बन सकता हूँ कि भाई आप अपने घर में अपने भाई बहन से बात करते अपने अपने अगर आपका ही कोई बेटा होगा 11th 12th में एज ए टीचर अगर आप उनसे भी तो बात करते हो तो ये भी आपकी उसी उम्र के ये मत भूलना 5 साल के बाद जो बच्चा आज आपके पास 12वीं में पढ़ रहा है वो 3 साल में BSc कंप्लीट कर लेगा और BSc करने के बाद अगर मान लीजिए वो 2 साल में IAS बन जाता है तो 12वीं पढ़ने के 5 साल के बाद वो देश की किसी बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट की कमान संभालने वाला है। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि उससे फ्रेंडली नेचर रखना खराब बात है क्योंकि 5 साल के बाद वो एक IAS IPS बन सकता है बिजनेस मैन बन सकता है या कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे जा सकता है। सिर्फ 5 साल की बात है तो 5 साल में तो सरकार बदल जाती है 5 साल में मतलब वर्ल्ड कप क्या ही है 5 साल कुछ नहीं है 5 साल। तो आपको उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखना पड़ेगा उसे सपोर्ट करो गाइड करो उसको समझो अपनी पर्सनल ओपिनियंस एंड थिंकिंग को उसके साथ कंपेयर मत करो और उस पर उसको जज मत करो। ये बहुत तीखे वर्ड्स में मैं बहुत सारी बातें बोला बहुत सकता है बहुत सारे लोगों को ये पसंद ना आए पर इस वीडियो बनाने से पहले मैंने काफी हिम्मत जुटाई है ये सारे शब्द निकालने के लिए कि मुझे ये सब बोलना है एंड आई रियली वॉन्ट पीपल टू लिसन दिस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज को समझो कि इस स्टैंडर्ड को मैंने ऑलमोस्ट 10 साल इस स्टैंडर्ड को पढ़ाया है मुंबई में एंड मैं बहुत प्राउडली कह सकता हूँ बहुत रेयरली शायद ऐसा कोई बच्चा हुआ होगा जो मुझसे नफरत करता होगा या जिसको मैंने शायद इंटेंशनली अनइंटेंशनली मारा होगा या कुछ मारा इन द सेंस उसके साथ गुस्से में कुछ किया होगा या उसको धमकाया होगा बट आई वॉज वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स। अगर कोई बच्चा मेरा इस वीडियो को देख रहा होगा तो वो कमेंट करके बता सकता है आई वॉज रियली वन ऑफ द फेवरेट टीचर इवन तो मेरे पास उस समय इतनी सब्जेक्ट नॉलेज नहीं थी जेई मेंस की बट आई यूज टू अंडरस्टैंड देम आई यूज टू मोटिवेट देम एंड आई वॉज फ्रेंडली। दिस वॉज माई पावर When I went in the teaching line, मैंने 18 साल की उम्र में टीचिंग करना स्टार्ट किया जब मैं 18 साल की था तो 18 साल के बच्चे को क्या ही आता होगा। तो ये 3 मेरे पावर थे और आज भी मेरे जो गॉड फादर्स हैं टीचिंग लाइन में जिन्होंने मुझे टीचिंग लाइन में उतारा था वो मुझे आज भी कहते हैं सब्जेक्ट नॉलेज वक्त के साथ आती है पर्सनैलिटी वक्त के साथ बनती है बॉडी लैंग्वेज वक्त के साथ सुधरती है कम्युनिकेशन स्किल भी वक्त के साथ आते हैं। आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करके कम्युनिकेशन स्किल नहीं यूज कर सकते लेकिन एक ही चीज जो आपके पास हो सकती है वो है फ्रेंडली नेचर वो है अंडरस्टैंडिंग और वो है मोटिवेटिंग कैरेक्टर आपका। ये 3 चीजें आपके हाथ में जो आप कभी भी बदल सकते हो ये आज से ही बदल जाएंगी जिस दिन आप खुद को संभालोगे कि नहीं मुझे बच्चों को सुनना है समझना है चिल्लाना नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है खुद को। याद करो जब आप टीनेजर थे तब आपने क्या किया था। ये 3 चीजें आपको बच्चों का फेवरेट बना देंगे ट्रस्ट में। आपने सुना होगा हेलो बच्चों अलग पांडे सर क्यों आज वो इतने फेमस हो गए भैया यूनिकॉर्न बना के रख दिए उन्होंने इतनी बड़ी क्योंकि वो फ्रेंडली है वो हर एक टॉपिक पे बच्चों के साथ सेक्स से लेके लव तक एजुकेशन तक मास्टरबेशन तक हर एक चीज पे बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं जो नॉर्मल टीचर हेजिटेट करता है डिस्कस करने से। वो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों की प्रॉब्लम को समझते हैं और वो मोटिवेटिंग है वो बच्चों को समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अलग पांडे सर से पढ़ा हूँ या मैं उनके यहाँ जॉब कर रहा हूँ
बट मैंने उनके काफी वीडियोस देखे हैं और मैं मुझे ये तीन क्वालिटीज उनके अंदर बहुत क्लियरली नजर आती है, शायद यही रीजन है कि आज वो इतने सक्सेसफुल टीचर बन चुके हैं। तो ये क्लास 11 टू क्लास 12 की बात होगी, काफी प्रवचन दे दिया मैंने यहाँ पे। अगला जो हमारे पास आता है वो डिग्री कॉलेज बीएससी एमएससी। जी यहाँ पे ऑनेस्टली मैं आपको कहूँ, यहाँ पे अच्छा ये मेरी फोटो है जब मैं यूनिवर्सिटी में बीएससी एमएससी कर रहा था। अब यहाँ आपको क्या क्या जरूरत है एक टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, आपकी एमएससी कंपलसरी होनी चाहिए, अब पीएचडी सीएसआईआर नेट या सेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तो ही आप डिग्री कॉलेज में टीचर बन सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है भाई। आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इफेक्ट पढ़ा रहे हो, आप एसआईआर इफेक्ट पढ़ा रहे हो बच्चों को लेकिन आपको पढ़ाना नहीं आता, आप ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा रहे हो बच्चों को लेकिन आपको पढ़ाना नहीं आता, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एडवांस टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, पता नहीं आप क्या ही रेफरेंस बुक्स में खुद में उलझे हुए हो, आपको पढ़ाना नहीं आता, तो यूजलेस है। ट्रस्ट मी, ये वो एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करेगी। ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू बी अ गुड टीचर बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज एवरेज टीचर तो सब लोग ही पढ़ाते हैं। अगर आप बच्चों का फेवरेट बनना है, इट वॉन्ट मैटर कि आप कितने एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, मैटर ये करता है जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो कितने अच्छे से पढ़ा रहे हो। बच्चा आपको कभी, देखो मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती ये सबको पता, मैं आप अभी ऑर्गेनिक पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है और मैं वापस से खुद की नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, बट मैंने पिछले 3-4 साल से यूट्यूब पे मैंने सिर्फ फिजिकल पढ़ाया। फर्क नहीं पड़ता कि आप सिर्फ फिजिकल पढ़ा रहे हो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ा रहे हो, फर्क किस चीज से पड़ता है, फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप जो पढ़ा रहे हो उसको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से उसको कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो यहाँ आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करेगा। दूसरा, डीप नॉलेज। सी यहाँ बच्चा जो है ना वो ये पास कर चुके आ चुका है ये सारे स्टेजेस को, यहाँ वो आपसे एक्चुअल कॉन्सेप्ट पढ़ने आया है। मैं यहाँ देखता हूँ टीचर्स को इंटरेस्ट ही नहीं होता, बहुत बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं अलग अलग स्टेट से, सर हमारे टीचर कह देते हैं हमने नोट्स दे दिया पढ़ लो। कुछ टीचर होते हैं लेक्चर के समय स्लाइड पीपीटी बना के आते हैं, उसको सिर्फ रीड कर रहे होते हैं 2 घंटे के लेक्चर में, बच्चे सारे सोए, मतलब उनको ये रियलाइज भी नहीं होता है उनको। मैं लिटरली बहुत हिम्मत के साथ ये सब चीजें पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, भले उन टीचर्स को ये रियलाइज भी नहीं होता है कि अगर आपको सिर्फ स्लाइड रीड करना था तो वो पीपीटी बच्चों को दे, उनका 2 घंटा क्यों बर्बाद किया आपने, आप समझा कहाँ रहे हो, आप सिर्फ रीड कर रहे हो। कुछ टीचर्स को मैंने देखा वो नोट्स फॉरवर्ड करते थे, कुछ टीचर्स को देखा है वो सिर्फ उतना ही पढ़ाते हैं जितना वो खुद के एग्जाम में पूछने वाले हैं, भाई मैं इतना ही पूछूंगा इसलिए मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा। कुछ टीचर्स को मैंने देखा, आई स्टिल रिमेंबर सम टीचर जिन्होंने हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाया था, उन्होंने उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर में सिर्फ उतना ही पढ़ाया जितना उनको एग्जाम में पूछना था, है ना, मतलब आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट उनको उन्होंने आगे कुछ पढ़ाया नहीं जो एक्चुअल रिलेवेंट टाइम में। अब कल को एक बच्चा अगर जाके कहीं पे स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैब में काम करता है, बट वो तो उतना ही पढ़ के आया ना जितना उसको एग्जाम में टीचर ने जितना पढ़ाया। यहाँ आपका डीप नॉलेज बहुत मैटर करता है। दूसरी एक सबसे गंदी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक है तो प्लीज आप फिजिकल मत पढ़ाइए, या तो आप फिजिकल पढ़ाने से पहले बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने टीचर्स को देखा है जो ड्यू टू सम रूल्स ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के रूल्स की वजह से वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाते हैं जिनमें उनकी स्पेशलाइजेशन भी नहीं होती है, उससे प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों का इंटरेस्ट चला जाता है। अब अगर आपको मान लीजिए क्वांटम नहीं आती है, या चलो आपको ऐसा लगता है आपको क्वांटम आ रही है लेकिन बच्चे आपको मुंह पे कह रहे हैं कि भैया देखो आपका पढ़ाया हुआ हमें नहीं समझ में आ रहा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड नो ईगो छोड़ दो उसको, मत पढ़ाओ उस चीज को, आप पहले प्रिपेयर कर लो 1-2 साल चीजें, तो थर्ड बैच से पढ़ाना स्टार्ट करना, बट आप इसलिए ईगो में आके पढ़ाए जा रहे हो क्योंकि नहीं मैं पढ़ाऊंगा मैं, तो ये गलत है यार, आप अपने सिर्फ ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बच्चों की के इंटरेस्ट को मार रहे हो। उसके बाद बच्चा कभी क्वांटम में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने उसे ढंग से नहीं पढ़ाया हुआ, वो तो 0 लेवल पे आया था ना, आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ाया। कुछ टीचर्स को मैंने देखा है वो थर्मो पढ़ाने लग जाते हैं, बट अगर आपको थर्मो एडवांस, इसीलिए मैं अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं आता है मैं उसे हाथ नहीं लगाता हूँ, ट्रस्ट मी मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा सर ऑर्गेनिक क्यों नहीं पढ़ाते, भाई मुझे जब ऑर्गेनिक में उतना इंटरेस्ट था ही नहीं, मैंने उतना डिडक्ट किया ही नहीं था तो मैं क्यों पढ़ा। अब जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ मुझे उतना, मैं वो एमएससी के टाइम की सारी चीजों को रिकलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी एमएससी में ऑर्गेनिक था, मैंने पास आउट किया है, पर मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, अब मैं उसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जब तक आपको डीप नॉलेज ना हो सब्जेक्ट में, आप बीएससी एमएससी में उस टॉपिक को हाथ मत लगाइए, या अगर आप लगा रहे हो पढ़ा रहे हो तो जितना भी आप पढ़ाओ ठीक है, आप कम पढ़ाओ सिलेक्टिव पढ़ाओ, बट थोड़ा अच्छे लेवल पे अच्छी तरीके से उसको कम्युनिकेट कर लीजिए। कुछ टीचर सिर्फ नोट्स लिखा देते हैं, अरे बहुत बच्चों के बीएससी एमएससी लेवल में मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सबसे मैं कहता हूँ पीड़ित बच्चे जो होते हैं वो ये बीएससी एमएससी, आप देखिएगा सारे क्वालिटी के टीचर जो होते हैं ना वो 11-12 में चले जाते हैं और यहाँ पे लोग जल्दी आके जो है वो इतना इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ उनको सैलरी शायद कम मिलती होगी या जो भी XYZ रीजन है मुझे नहीं पता, बट टीचर्स का इंटरेस्ट यहाँ आते आते बहुत कम हो जाता है। बहुत रेयरली आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो बीएससी एमएससी लेवल पे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा रहे हैं। और देखो ये मैं आज जब बोल रहा हूँ तो मैं पिछले 4 साल से हिंदुस्तान में अलग अलग बच्चों से इंटरेक्ट कर चुका हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स के बारे में तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ कि वो कैसे किस यूनिवर्सिटी में कैसे क्या, उनका फीडबैक जब मेरे पास आता है, बच्चे मुझे जब कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ाने के लिए पर्सनली मैसेजेस करते हैं, तो आपको यहाँ डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है।
अगला अवेयरनेस अबाउट करंट रिसर्च ट्रेंड्स एंड मेथडोलॉजी। देखो यहाँ ये बहुत मैटर करता है, एक बीएससी एमएससी का बच्चा पीएचडी करेगा नहीं करेगा, उसे रिसर्च में इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, वो बहुत हद तक टीचर पे डिपेंड करता है। आप अगर ऐसे सब्जेक्ट को बना दोगे टॉपिक को कि उसका इंटरेस्ट ही मर जाए, तो आने वाले भविष्य में अगर वो हो सकता था वो सब्जेक्ट में एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता था, जस्ट बिकॉज आपने ढंग से नहीं पढ़ाया, जस्ट बिकॉज आपने उस चैप्टर की पूरी मतियां मेल कर दी है, वो बच्चे का इंटरेस्ट मर जाएगा। वो कभी उस टॉपिक में रिसर्च करने से भी डरेगा, वो उस टॉपिक के बारे में पढ़ने से भी डरेगा। अगर आप उसे एडवांस लेवल नहीं पढ़ा सकते, तो जितना भी आप पढ़ा रहे हो कम से कम वो ढंग से पढ़ाओ और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओ। आप उसे जीरो से स्टार्ट करो, उसे इस तरीके से चैप्टर का फ्लो बनाओ कि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट लाना इज मोर इम्पोर्टेंट देन उसे बहुत एडवांस लेवल की नॉलेज देना। ठीक है, अगर उसको एक बार इंटरेस्ट आ गया तो वो नॉलेज अपने आप कहीं से भी गेन कर लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने उसको कितना एडवांस लेवल का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ ऐसे भी टीचर्स को जानता हूँ जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है और बाहर भी फ्रीलांसर्स हैं वो, जिनको बहुत डीप नॉलेज नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो बहुत लिमिटेड पढ़ाते हैं, पर जितना भी वो पढ़ाते हैं इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं कि बच्चे को अपने आप उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, फ्यूचर में बच्चा उसी सब्जेक्ट को लेकर आगे अपना करियर बना लेता है। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडली। सी, जो ईगो वाली प्रॉब्लम होती है ना, ये आप इस लेवल पे बहुत ज्यादा देखोगे, भाई पता नहीं बड़ा ही अलग अजब सा माहौल है, टीचर्स बात ही नहीं करते बच्चों के साथ, एंड ये बहुत गलत है। आप अगर इस स्टेज पे आके, अभी मैं रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे गया था, मैं वहाँ पे पूरा आईआईटी बॉम्बे घूम के आया, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया आईआईटी बॉम्बे की सबसे बड़ी खासियत है, टीचर कितना ही बड़ा तुर्रम खान क्यों ना हो, उसे करोड़ों का ऑफर्स आया होगा उस टीचर को, वो टीचर कहीं वो खुद उसके एक सिग्नेचर से वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं जो पता नहीं क्या बड़ी बड़ी, एक को तो किसी बड़ी बड़ी कंपनियों से उनको प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, बट उन टीचर्स को अगर आप देखोगे दो तीन को तो मैंने देखा कैंपस में घूमते हुए, ऐसा छोटा सा झोला लटकाएंगे बैग और ऐसे निकल जाते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, बच्चों के पास जा जाके बात करते हैं, बच्चा एब्सेंट रहेगा तो जाके पूछते बेटा तू क्यों एब्सेंट था, इसको कहते हैं फ्रेंडलीनेस। वहीं अगर आप थोड़े नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में निकल जाते हैं, हम देखते हैं कुछ तो टीचर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बात नहीं करते बच्चों से, तो अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है ये नेचर आप में होना चाहिए, अदरवाइज ये नेचर अगर आप में है ना तो ये थोड़ा कम भी होगा ना फर्क नहीं पड़ता भैया, ये नेचर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नॉलेज तो बच्चा वक्त के साथ खुद पढ़ के भी ले लेगा, आपको उसे फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहाँ मैं एक और वर्ड यूज कर देता हूँ, मोटिवेटिंग। सी देखिए, बच्चा जो बीएससी एमएससी में पढ़ रहा होगा ना, आपको ये समझना पड़ेगा उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, उसकी उम्र ऑलमोस्ट 24 साल से 30 साल के बीच में आ चुकी होती है, उसके ऊपर फैमिली प्रेशर होता है, वो कमाना भी चाहता है। मेरी खुद ऐसी एक प्रॉब्लम हो चुकी थी कि जब मैं एमएससी कर रहा था मेरे पे अर्निंग था, आई वॉज अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली, अब मैं कभी कभी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाता या लेट हो जाता था, मेरे साथ इतना रूड बिहेवियर किया जाता था, इतना रूडली कुछ प्रोफेसर नॉट एवरीवन ऐसे रूडली बिहेव कर रहे थे, मेरा मन करता कभी कभी उनको बोलने का, क्यों भैया आप एक काम करो मेरे घर पे महीने का 20,000 दे दो, देखो मैं रोज रेगुलर लेक्चर अटेंड करने आता हूँ, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, मैं दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके चल रहा हूँ, मैं घर भी संभाल रहा हूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो अगर आप एटलीस्ट मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो मुझे कम से कम गालियां तो मत दो, मेरे बारे में बुरा तो मत बोलो, एटलीस्ट लुक एट माय एफर्ट्स कि मैं वो एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो आपको ये फ्रेंड उसके बाद उस टीचर से मेरा मन हट गया, वो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उससे मेरा मन हट गया, क्योंकि वो टीचर के साथ वो सब्जेक्ट रिलेट हो गया, है ना। तो आपको ये फ्रेंडली बिहेवियर रखना है, आप यार ईगो में लेके नहीं चल सकते, बच्चे की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, अगर सबका सब अच्छा अच्छा ही होता, ऑल गुड होता, तो वो क्यों बच्चे इतना स्ट्रगल करते, फिर तो रेगुलर क्लास में आके अटेंड करते, आपके भी तो लाइफ में प्रॉब्लम हुई होंगी ना, तो आपको वो प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। सो ऑल दिस थिंग्स आर जो मुझे कहना था, जो मुझे इस वीडियो में बताना था, थोड़ा लंबा वीडियो हो चुका होगा। अब कुछ लोग होते हैं जो टीचिंग फील्ड में आने से डरते हैं, भैया हम कैसे करेंगे, हमको तो कम्युनिकेशन स्किल सुधारना नहीं आता, तो मैं जाते जाते इस वीडियो में सिर्फ दो टिप्स देके ना जाऊँ, कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो पिक्चर है जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था। सी इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, कैसे, ये मेरा स्टार्टिंग करियर था जब मैंने अपनी लाइफ का पहला वीडियो बनाया हुआ था, जब हम पहले दो चार वीडियो जब हमने इस तरीके से बनाए हुए थे, पहले दो चार नहीं, हमने कम से कम 20-25 वीडियो इस तरीके से बनाए थे, क्योंकि हमारे पास कोई एमिनिटीज नहीं थी, हम इतना मैं सुपर रिच नहीं था कि मेरे पास एक बहुत एसी का कमरा हो, लाइटिंग्स हो, इंटीरियर करके मैंने ऑफिस बनाया था, मैंने इस तरीके से माँ के फोन से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था, ये छोटा सा बोर्ड मैंने यहाँ ला रखा था और बाल्टियों के ऊपर बाल्टियाँ भी गंदी थी, कुर्सियाँ भी गंदी थी, मेरे स्टोर रूम में मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था। आपको टीचिंग करनी है, बेहतरीन आइडिया देता हूँ, खुद को रिकॉर्ड करो और खुद को देखो आप कैसे पढ़ा रहे हो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, अगर आप खुद को सुन नहीं पा रहे हो तो दूसरा आपको कैसे सुनेगा। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, दिस इज दी आर जर्नी राइट फ्रॉम जीरो जब हमने ये स्टार्ट किया था, एंड देन हमने इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाई किया। द बेस्ट वे इज रिकॉर्ड योर सेल्फ, आप खुद को रिकॉर्ड करो,
खुद को सुनो, खुद को देखो आप कैसे पढ़ा रहे हो, और मैंने जो पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान रखो आप किस लेवल पे क्या पढ़ा रहे हो, एंड ट्रस्ट मी आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाओगे एंड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टूडेंट्स विल रियली रियली लव यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे बच्चे हैं मैं जिन्होंने मुझे इस लेवल तक लाके खड़ा कर दिया है कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ इतनी हिम्मत के साथ बना पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारे पास 230,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, एंड बीइंग अ नॉन आईआईटी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम मैंने पास नहीं किया है, उसके बाद भी अगर बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। काफ़ी अलग अलग यूनिवर्सिटी से मेरे पास मैसेजेस एंड फोटोज आते हैं कि सर देखो हम आपके वीडियोस देख देख के पढ़ रहे हैं, आपके वीडियोस से हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, आप काफ़ी हेल्प कर रहे हो। तो अच्छा लगता है सुन के कि नॉट अ बेस्ट टीचर बट एटलीस्ट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों तक एक अच्छा फ्रेंडली एक अच्छा टीचर बन सकूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को समझ सकूँ। मेरे इन पॉइंट्स को याद रखना, अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज है और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स आपका है, प्लीज कमेंट करना और अपने ओपिनियंस एटलीस्ट मुझे बताना। आई वुड रियली लव टू रीड अबाउट योर ओपिनियंस, आप क्या सोचते हो और मेरा कौन सा पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगा या किस पॉइंट पे आपको लग रहा है कि आपकी इस पे ओपिनियन डिफरेंट है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना भैया, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो, सब्सक्राइब कर देना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बड़ा कीमती। गॉड ब्लेस यू।